जी, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को भी नहीं पता कि कौन आया है, कहाँ आया है। और ये चिली गार्लिक यहाँ से नहीं मिलती, तो ये कच्चे मैंने पाकिस्तान से मंगवाई, और ये सारी मेडिसिन बच्चों के लिए मंगवाई थी। इबे को ना थोड़ी सी खबर हो रही है कि कोई गेस्ट आया, सामान नीचे भरा हुआ, उसको बोला चाचू आया तुम्हारा, तो ऊपर भागता हुआ गया देखने। चिली ने हमसे सब्र नहीं था, और हमारा चाचू अभी सोया हुआ है, और इब्राहिम जाके देख रहा अपने चाचू को। इब्राहिम ने बड़ा खुश हुआ अपने चाचू को देख के, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि चाचू बिल्कुल सोई हुई हालत में उठा था, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता वीडियोस में लेके आना। ये पाकिस्तान से मैंगो आए हैं जी हमारे, ये भी हमारा गिफ्ट था, और बहुत ही मज़े के मीठे आम थे। चलें जी, आज वीकेंड है, तो उस्मान का अचानक से प्लान बन गया कि आप बाहर कहीं जा रहे हैं लेक पे, और वो कह रहा था घर में जो अवेलेबल ना फटाफट से बस बना लें, 2 घंटे आपके पास तैयार भी होना है, खाना भी तैयार करना है। तो मुझे कह रहा था कोई स्नैक बना लें, और आईफा चावल बनाने लगी, तो मेरे पास शामी कबाब पड़े थे एज़ यूजुअल, तो मैंने जो बन कबाब बना लिए फटाफट से। चलें जी, अब हम लोग निकलने लगे हैं। ये केक भी मैंने रख लिया था, यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम था तो हम लोग रुक गए थे। जब तक ये लोग रुके हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं जाकर ना पेट्रोल डलवाती हूँ, गाड़ी में पेट्रोल कम है। देखिए यहाँ पे एक औरत को कौन कौन सा काम करना पड़ता है। हैं, क्या बोला, औरत? नहीं नहीं, लड़की को। ऐसा कोई अजीब लगता है ना अपने आप को औरत बोलना, भी कल की बात है, हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे थे, कॉलेजों में जा रहे थे, आज औरत बन के बैठ गए 2 बच्चों के बाद। यहाँ पे हम लोग अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच गए हैं, डॉलर लेक, यहाँ पे हम लोग आए थे। आज पता नहीं क्यों यहाँ पे रश नहीं था, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना पिछले समर, तो बतौबा इतना रश था और ऐसा था कि बता नहीं सकती। चलो जी, ये हमारा खाना पीना खुल गया, आते सारे जो है ना भूख लग जाती है। ये बच्चे जो हैं ये तो पानी में चले गए थे, और हम बैठ के खाना खाने लग गए थे अपना। ये रहा जी हमारा डैशिंग चाचू, जो हमने आपको ऐसे नहीं दिखाया था, ज़रा तैयार अच्छे से होता तो फिर दिखाते। अभी भी उसके हम ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना सके, आगे आपको थोड़ी दिखाती हूँ। ये जो चाचू है जी, ये स्टडी वीज़े पे आया है, और ये अब हमारे साथ ही रहेगा, तो अक्सर आपको वीडियोस में नज़र आता रहेगा, इसका नाम हमजा है। अच्छा, जामिन का जो रिएक्शन था ना, वो पहले तो ऐसे मुझे चिमट गया देख के चाचू को कि ये कौन आ गया, क्योंकि छोटा है अभी, इसको इतना पता नहीं है। लेकिन जैसे ही शाम हुई है, घर गए हैं, रात हो गई है, तो ऐसा अटैच हो गया कि जाके देखिएगा वीडियोज़ में आप। यहाँ इसका चाचू दूर दूर से जाके ना इसको थोड़ा फ्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से हम लोग हो गए हैं फ्री, हम घर जाने लगे हैं। जब हम दोनों फैमिलीज इकट्ठे आउटिंग पे आए ना, तो फिर बड़ा मज़ा आता है, अकेले को क्या बंदर मज़ा करना होता है। तो यहाँ पे ना इब्राहिम को ये हो रहा है कि चाचू हमारी कार में बैठे, कहीं उस कार में ना बैठ जाए, तो उसको कह रहा है इधर कार में बैठो, तो मैंने उसको बोला तू ना उधर जाकर ज़रा बैठ, तो क्या करता है ये, उसको कह रहा है कि उधर बैठो अपनी कार में बैठो, हमारे साथ तुमने जाना है। इब्राहिम को तो सारी पहचान है ना, क्योंकि वो अभी रिसेंट पाकिस्तान भी होके आया, तो इसको बस सारा पता कि ये मैं चाचू हमजा है। चले जी, अब हमने ज़्यादा बच्चे को तंग नहीं किया, और अब हम लोग जाने लगे हैं घर। आज पहला दिन था हम लगा कनाडा में, और हमने आते ही आज उसको आउटिंग करवा दिया, देखे ना चेक करें हम लोग कितने फास्ट लोग हैं। एक दिन बेचारे को आराम भी नहीं करने दिया, हमने बोला चल बेटा हो गया जितना आराम होना था, उठ जा अब, 2 बजे तक तो मेहमान था, अब तो घर का फर्द हो गया। और ये देखें जब हम घर पे आए ना, तो इसमें फुल अटैच और फुल फ्रेंक हो गया चाचू के साथ, और ये भी हम अपने ट्राइजर्स को दिखा रहा है चाचू को, खोल खोल के ला ला के इसको ना, कि ये मेरे पास एरोप्लेन है, ये ट्रक है, ये बस है। ये जामिन फुल कॉपी करता है अपने भैया की, तो वो उसकी देखा थी कि ना चाचू के साथ उसी तरह अटैच हो गया जैसे वो इब्राहिम है। ये देखिए चाचू को इसने सांस नहीं लेने दिया, मैंने बोला तुम ना टांगे सी दिखे जरा थोड़ी देर लेट जाओ, लेकिन बच्चों ने उसकी मत मारी हुई है, देखें ज़रा। ये शुक्र है जामिन बड़ा अटैच हो गया, मैं तो इस बात पर बड़ी हैरान हो रही थी। ये देखें उसका चाचू अब लेट गया, तो फिर भी उसकी जान नहीं छोड़ रहा। ये देखिए मेरे बच्चे जो ना पहले टाइम से सो जाते हैं 9-10 बजे, और आज इतना टाइम हो गया सोने का नाम ही नहीं ले रहे, उठ ही नहीं थे चाचू के पास से। चलो जी, मेरे बच्चे अब सो गए हैं, और मैं व्लॉग एडिट करने बैठी हुई हूँ, अब मुझे बड़ी नींद आ गई है, और अभी मैंने ईशा की नमाज भी पढ़नी है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।